हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ शो। आज के अंक में हम फोकस कर रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर पर, यानी मुंह और गले का कैंसर। ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, कैसे इससे बचें और यदि हो जाए तो क्या है इसका उपचार, इस पर जानकारी के साथ आज के अंक में हमारे साथ दो ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर तपस्विनी प्रधान शर्मा का, आप बीएल के अस्पताल से हैं, आपका स्वागत है डॉक्टर तपस्विनी। और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर आलोक ठक्कर का, प्रोफेसर ईएनटी एम्स से, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरू करते हैं, मुंह और गले के कैंसर के दायरे में क्या क्या आता है? हाँ जी, इसको हम लोग हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं या मुंह और गले का कैंसर कहते हैं। इसमें मुंह का कैंसर, पीछे फैरिंग्स या खाने की जो नली होती है उसका कैंसर, और गले का कैंसर जो बोलने की या स्वर्ण बनाने की जो ऑर्गन होता है गले का, उसका कैंसर, ये मेजर कैंसर हुए। बाकी तो नाक का कैंसर हुआ या कान का कैंसर हुआ या नाक के पीछे नेजोफैरिंग्स कहते हैं ऐसा कैंसर हुआ या गले का कैंसर हुआ, थायराइड का कैंसर हुआ, ये सारे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी ये ग्रुप ऑफ कैंसर है जी। तो इसका इंसिडेंस की अगर बात करें डॉक्टर तपस्विनी, कैंसर तो कई प्रकार के होते हैं, अगर हेड एंड नेक की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? हेड एंड कैंसर अगर विश्व भर में देखा जाए तो ओवरऑल कैंसर में इट इज दी सिक्स्थ रैंकिंग, और इंडिया में ऑलमोस्ट लंग कैंसर के बराबर में आ गया है, विच इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट यू नो द लेवल। विश्व भर में छठे नंबर पर, लेकिन भारत में ऑलमोस्ट नंबर वन पर आ गया है। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है और हमारे देश में जो हमारे जनता है, 80% अगर हम देखें ये जो कैंसर है टोबैको से प्रभावित है। 80% ऑफ आर हेड एंड कैंसर आर एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू टोबैको कंजम्पशन। और इंडिया में अगर हम देखें हमारा जो टोबैको का प्लांटेशन है ऑलमोस्ट हर प्रांत में हो रहा है एक्सेप्ट फॉर जम्मू कश्मीर और कर्नाटका में, और कहीं कहीं तो बहुत चीजें हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स को और जो कि प्रभावित हो रहे हैं हमारे एड से, क्योंकि वो देखते हैं उनका अपना मूवी फिल्म स्टार या अपना कोई फेवरेट स्टार उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। सो ग्रेजुअली बहुत सी जनता जो है इस टोबैको से प्रभावित होके दे आर टेकिंग इनटू टोबैको। तो डॉक्टर ठक्कर, हर एज ग्रुप प्रभावित है इस कैंसर से? एक्चुअली हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि पिछले 25-30 सालों में ये कैंसर यंग लोगों में ज्यादा आने लगा है। जब हम लोगों ने करियर शुरू किया था तब जनरली ये प्रॉब्लम जो है 50s में हम देखते थे, आज हम 40s में भी देखते हैं, 30s में भी देखते हैं, ओकेजनली 12-15 साल 14 साल ने भी देखा है। और अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि क्योंकि जो है तंबाकू का सेवन मेरे ख्याल से काफी बढ़ गया है, जब से पाउचेस में टोबैको और पान मसाला मिलना शुरू हो गया है, कन्वीनियंस हो गई है उसको लेने की, आपको पान की दुकान में जाना नहीं पड़ता है उसको खरीदने के लिए, और सेवन कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो जनरली पेशेंट्स हमारे 2-4, 5-7 साल यूज कर चुके होते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स जब तक हमारे पास आते हैं। जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टोबैको थे, दैट वाज टोबैको था या चूना था या सुपारी से भी थोड़ा सा लिंक है कि शायद होता हो, तो ये इतने ड्रामेटिकली या इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं देते थे। आज के दिन में बहुत अर्ली एजेस में यही प्रॉब्लम हमें देखते हैं। और क्योंकि हम तंबाकू को ना कहें, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। यस, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि 80% अगर ये टोबैको से ही प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो अगर इस चीज को अगर हम सीरियसली लिया जाए और हर एज ग्रुप में अवेयरनेस लाई जाए तो काफी हद तक हम इसका बचाव कर सकते जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर्स ने बताई है कि यदि जागृति फैल जाए तो हेड और नेक कैंसर के कोई भी केसेस हमें देखने को ना मिले। लेकिन इस समय जो केसेस आपके पास आते हैं ओपीडी में, थोड़ा बताइए शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है। जैसे इससे पहली बात हुई कि कई कैंसर इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर मुंह का कैंसर होगा तो मुंह में अल्सर हो गया या घाव हो गया, और जो ऐसा घाव जो कि भर नहीं रहा है, महीना सवा महीना तक चल रहा है, परसिस्टेंट घाव है या परसिस्टेंट दर्द है खाना खाने में, तो परसिस्टेंट घाव जो एक आध महीना चल जाए डेंजरस हो सकता है, होता है कई बार। दूसरा जो है हुआ कि अगर खाना खाने में दर्द है, खाना खाने में अटक रहा है, बट मोर देन दैट खाना खाने में दर्द है, या फिर अगर वॉइस बॉक्स का कैंसर है तो आवाज में बदलाव आया है, आपकी आवाज चेंज हो गई है। अब अनफॉर्चुनेटली स्मोकर्स जो होते हैं ये इस सिम्टम को बहुत स्ट्रांगली नहीं लेते, बिकॉज स्मोकर्स के साथ थोड़ा बहुत कॉफ की प्रॉब्लम रहती है या स्मोकर्स के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है कि आवाज बार बार बैठ जाती है,
तो वो सिम्टम को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर यही सिम्टम महीना सवा महीना डेढ़ महीना चल रहा है, आपकी आवाज चेंज हो गई और ठीक नहीं हो रही है, तो वो तो डेफिनेटली इंडिकेशन है कि जो है इसको आगे इसकी जांच इन्वेस्टिगेट होना है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर तपस्विनी, अगर कोई व्यक्ति को इस तरह के लक्षण है, मान लीजिए आवाज में होर्सनेस है, वो कहता है मैं स्मोक नहीं करता, तंबाकू का पदार्थ नहीं लेता, फिर भी उसे हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है? उसके बहुत कई अन्य कारण हैं। तंबाकू तो है ही है मेन कारण, और कारण है जैसे अल्कोहल। अल्कोहल आल्सो हैज अ कंट्रीब्यूशन अराउंड 75%। बाकी डाइटरी फैक्टर्स हैं, डेफिशिएंसीज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, विटामिन ए सी, बीटा कैरोटिन्स, ये है पदार्थ, आयरन, ये सब कमियां भी करती हैं। सनलाइट एक्सपोजर स्किन कैंसर्स और लिप कैंसर्स में काफी उनका कंट्रीब्यूशन है। कुछ तो है रोल वायरसेस का हेड एंड नेक में, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एचआईवी वायरसेस, उनका भी काफी हद तक रोल है। और कुछ है जेनेटिक फैक्टर्स। आप देखते हैं बहुत सी जनता स्मोक करती है, सबको नहीं होता है, तो इसलिए कुछ तो जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके कारण कुछ लोग प्रभावित होते हैं, जिस लोग टबाकू उनको प्रभावित करता है, कुछ लोगों को नहीं करता जी। तो शुरुआती सिम्टम्स यदि हो तो डॉक्टर ठक्कर अस्पताल जाकर कौन से इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट कराने होंगे? ये हम लोगों के सभी में अब आजकल ये अवेयरनेस आ गई, टेस्ट करना जरूरी होता है कुछ चीज को डिटेक्ट करने के लिए जी। पर ये ऐसा कैंसर है या ये माउथ के गले की जगह ऐसी है जिसमें कि प्राइमरीली अगर आपको डॉक्टर टेस्ट कर ले, देख ले अंदर से, वही वही बेसिक चीज, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर बता सकता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, माउथ का एग्जामिनेशन हुआ और अंदर थ्रोट का एग्जामिनेशन हुआ। अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो डेंटिस्ट भी आपके माउथ को तो पूरी तरह इवेल्युएट करके देखेंगे ही, तो डेंटिस्ट के पास जाएं या नॉर्मल सर्जन के पास जाएं या ईयर नोज थ्रोट सर्जन के पास जाएं। और अगर खुद न खास्ता कैंसर का केस निकला तो इससे पहले मैं आपसे ट्रीटमेंट पूछूं, पहले ही आश्वासन दीजिए क्या ये फुली ट्रीटेबल है? देखिए अर्ली कैंसर्स तो बहुत ही अच्छे से ट्रीटेबल हैं, एंड फॉर्चुनेटली जैसे अवेयरनेस अगर थोड़ी है और आप अवेयर हैं तो ये कैंसर्स अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं। बहुत सिंपली ऐसा होगा, अगर मुंह में अगर छाला पड़ गया जो ठीक नहीं हो रहा है, या आवाज बिगड़ गई है ठीक नहीं हो रही है, तो ये तो बड़े अर्ली कैंसर्स के लक्षण होते हैं। अर्ली कैंसर्स 90-70% ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल क्योरेबल फॉर एवर। एडवांस कैंसर थोड़े कम है। तो थोड़ा बताइए डॉक्टर तपस्विनी, सॉल्यूशंस क्या हैं? मेडिकल विज्ञान तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, अगर हेड एंड नेक कैंसर का कोई पेशेंट है तो क्या दवाइयों से ठीक हो सकता है? ये बहुत निर्भर करता है ये कहाँ पे और किस एरिया के हेड एंड नेक के बारे में हम कह रहे हैं, और इट ऑल्सो डिपेंड ये भी करता है कि कौन से स्टेज पे आपके पास पेशेंट आया है। मुंह का कैंसर अगर हम देखते हैं, अधिकतर मुंह के जो कैंसर होते हैं वो सर्जिकली एमिनेबल होते हैं। बेस्ट उनका ऑप्शन रहता है अगर उनको ऑपरेट किया जाए। अगर एडवांस स्टेज में है पेशेंट तो उसको ऑपरेशन के साथ साथ रेडिएशन या रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी लगानी पड़ सकते हैं। कुछ कुछ एरियाज होते हैं जो कि ऑपरेशन के बाउंड्रीज में नहीं आते हैं, जैसे कि नाक के पीछे का जो एरिया है जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, ये वाला एरिया जो है प्राइमरीली हम इसको रेडिएशन के साथ रेडिएशन से ही ट्रीट करते हैं। जबान के पीछे का एरिया जिसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, वो बहुत समय तक ये रेडिएशन से ही इलाज किया जाता था, पर क्योंकि आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, जैसे रोबो आ गया है, आप उसके जरिए उसके मदद से वो वाले एरिया अब सर्जिकली एमिनेबल हो गए हैं। तो अर्ली कैंसर्स कहा जाए तो मेजरली हेड एंड नेक एरिया में सर्जिकली ट्रीटेबल है जी। कैंसर जब भी बात होती है तो कीमोथेरेपी का जिक्र आता है, रेडिएशन थेरेपी का जिक्र आता है और फिर सर्जरी। आप इन तीनों को किस तरह देखते हैं हेड एंड नेक कैंसर में? देखिए हर कैंसर में तीनों को ही कंसिडर किया जाता है। जनरली हेड एंड नेक कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल लिमिटेड है, अकेले कीमोथेरेपी हेड एंड नेक कैंसर में बहुत ही रेयरली यूज होती है। तो जो है ज्यादातर ट्रीटमेंट जो है या रेडिएशन से होगा या सर्जरी से होगा, एडिशन में कई बार कीमोथेरेपी यूज की जाती है, और ये दोनों ट्रीटमेंट्स रेडिएशन और सर्जरी करीब करीब इक्वल मेजर में यूज होते हैं। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, डिफरेंट साइट्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे वॉइस बॉक्स से बहुत बार रेडिएशन का यूज ज्यादा होता है बिकॉज वॉइस बॉक्स में सर्जरी करने से आवाज में फर्क आता है, और कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि रेडिएशन से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो वहां पे सर्जरी से पहले ट्रीट किया जाता है।
जनरल प्रिंसिपल ये रहता है कि अर्ली कैंसर्स में या रेडिएशन या सर्जरी कोई एक चीज जो प्रेफरेबल हो वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं आपके लिए, और थोड़े एडवांस कैंसर्स में जनरली दोनों ही देने पड़ते हैं जी। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कितना लंबा चलता है ट्रीटमेंट और स्ट्राइक रेट क्या है, किस हद तक व्यक्ति क्योर हो सकता है? जहां तक ड्यूरेशन का सवाल है वो तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके कौन से स्टेज पे आया है। अर्ली स्टेज कैंसर्स अगर आप एक सिंगल मोडालिटी ले रहे हैं, अगर सर्जरी लेते हैं आई थिंक दैट्स शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो ट्रीटमेंट का होता है वो सर्जरी के होता है। रेडिएशन जो करीबन 6.5-7 हफ्ते चलता है मरीज का, जिसमें मरीज को हर 5 हफ्ते में 5 दिन आना पड़ता है और करीबन 2 महीने के करीब लगातार इलाज। रेडिएशन और सर्जरी दोनों साथ भी हो सकते हैं? नहीं, एट अ टाइम वन। यस। एंड क्या एक पहले को प्रोसीड करेगा कि पहले आप रेडिएशन करें और फिर सर्जरी बाद ऑप्शन? नहीं, ये सब चीजें तो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रीटिंग केस बाय केस। और ट्यूमर कहाँ लोकेटेड है, अगर ट्यूमर ऐसे एरिया में है जहां सर्जरी हो सकती है प्रेफरेबल रहता है कि सर्जरी करें। अगर मेरे पास कोई यंग पेशेंट आता है आई थिंक द ऑप्शन मैं उनको जो दूंगी वो सर्जरी का ऑप्शन दूंगी। अगर वो बहुत इनएक्सेसिबल एरिया में है, नोज के पीछे के एरिया में है, जबान के पीछे के एरिया में है, या जैसे सर ने कहा वॉइस बॉक्स में है, तो शायद उधर सर्जरी या रेडिएशन का ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा किस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। पर ऑन एन एवरेज महीनों चलता है ट्रीटमेंट? अगर आप पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे तो ये जो है इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन ट्रीटमेंट। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आप आए और आपका इलाज हो गया और आप घर जा सकते हैं। बहुत फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको सर्जरी के साथ रेडिएशन भी ऐड करना पड़ सकता है या सर्जरी के बाद रेडिएशन और कीमो दोनों को ऐड करना पड़ सकता है। तो करीबन अगर आप देखें पूरा इलाज 3 से 4 महीने हो सकता जी, है। जी, सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर ठक्कर सर्जरी का? अर्ली कैंसर्स 90% to 70%, T1 ग्लॉटिक कैंसर, T1 लारिंग्स कैंसर में तो आजकल 98-100% की बात होने लगी है, पर कई और कैंसर इतने अच्छे नहीं होते तो बैठा एनीथिंग परसेंट कह लीजिए। एडवांस कैंसर्स 40 to 60%, एंड ऐसे 40 to 60% इट डजंट मीन कि आप ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक होने की तो उम्मीद ज्यादा होती है, तो लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए ठीक होने की उम्मीद रखनी है। तो ओपीडी में आप बता रहे थे रोज 3-4 केसेस ऐसे आते हैं जो ज्यादा ही आते हैं, ज्यादा ही आते हैं। किस तरह के सवाल पूछते हैं फिर पेशेंट्स आपसे? देखिए, एक बहुत अहम सवाल पेशेंट के दिमाग में होता है, हमारे दिमाग में भी रहता है, और ये इस ट्रीटमेंट के एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि भाई ये जो एरियाज हैं हेड एंड नेक के या मुंह और गले के, ये फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपने बोलना है, खाना खाना है, उच्चारण करना है, आवाज निकालनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सुबह से रात तक आप इन सब एरियाज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब इनका ट्रीटमेंट देखा जाता है तो क्योर तो है ही, बस साथ में प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन या इन सब चीजों को बचाकर रखना या इनको एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ट्रीटमेंट का जी। और ट्रीटमेंट में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसके बारे में भी डॉक्टर तपस्विनी शर्मा ने इतने आपको विस्तार में बताया, वो कॉम्प्लेक्सिटीज इसीलिए हैं बिकॉज एवरी पेशेंट में हम लोगों का बेसिक एम रहता है नॉट जस्ट कि पेशेंट ठीक हो जाए। क्योर तो आपने पूछा ही मुझसे कि क्योर क्या होता है, बट द एम पेशेंट की तरफ से भी और आपकी तरफ से दोनों की तरफ से भी क्योर भी है और फंक्शन प्रिजर्वेशन भी है। तो सबसे बड़ी चुनौती सर्जन के सामने डॉक्टर तपस्विनी यही है कि जब वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है सर्जरी की फंक्शनल कैपेबिलिटी बरकरार रहे, जिसको आजकल हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। यस, क्योंकि मरीज आजकल क्योंकि इलाज में बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं तो मरीज बहुत लंबे समय तक भी जी रहे हैं। जब वो लंबे समय तक जीते हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि मैं जीऊं पर मेरी जिंदगी में कोई क्वालिटी भी हो। सो एवरी टाइम व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट आपको हर एंगल से उसको देखना पड़ता है। आप फंक्शनैलिटी भी उसको देना चाहते हैं, उसका कॉस्मोसिस भी देखना चाहते हैं, जैसे कि वो सोसाइटी में प्रेजेंटेबल हो पाए जी। और जब सर्जरी की बात होती है डॉक्टर ठक्कर, तो आम व्यक्ति अब बात करता है कि क्या ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, दूरबीन वाली, क्या लेजर का इस्तेमाल होगा, तो इस सर्जरी में किस चीज का इस्तेमाल होता है? हाँ, ये इस तरह की चीजें होती हैं इस्तेमाल। लैप्रोस्कोपी तो होता है कि पेट में एंडोस्कोप डालें, पर हमारे यहाँ भी एंडोस्कोप जो कि जनरली माउथ के थ्रू डाले जाते हैं,
माउथ, क्योंकि माउथ तो नेचुरल ओपनिंग है, उसको थोड़ी डालना पड़ता है, उसमें बिल्कुल भी चीफ और बाहर से नहीं दिखेगी आपको। बट एंडोस्कोपी इज अ डिफिकल्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक। हाँ, जब अप्रोप्रिएट है, जिसके लिए अप्रोप्रिएट है। अगर हम लोगों का अगेन नजरिया यही होता है कि भाई ट्यूमर के क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, पेशेंट के अपने, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो तम्बाकू के सेवन की वजह से उनका मुंह ही नहीं खुल पाता, तो अगर मुंह ही नहीं खुलेगा तो कहां से अब उसके थ्रू ऑपरेशन करेंगे। yes. तो कई कॉम्प्लेक्सिटी बात, पर जहां अप्रोप्रिएट है, टेक्निकली अप्रोप्रिएट है, वी वुड ट्राई एंड पेशेंट वुड प्रेफर कि भाई मुंह से ही मिनिमली इन्वेसिव। तो मिनिमली इन्वेसिव में आज के दिन में एंडोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी डॉक्टर साहब डायग्नोस्टिक टेक्निक है, साथ ही साथ आप ट्रीट भी उससे कर सकते हैं। हाँ, एंडोस्कोपिक मतलब मुंह के अंदर से, राइट, हाँ, ट्रांसओरल आप कहते हैं, लेजर से कर सकते हैं। और लेजर के कई और एडवांटेजेस हैं, नॉट जस्ट कि भी बाहर पे स्कार नहीं आता है, पर हीलिंग कहीं बेटर होती है, हीलिंग बेटर होती है, फंक्शन। और फिर अब रोबोट आ गया है, और रोबोट से जो है इतना एडवांटेज है कि आप जो है बहुत छोटे छोटे माइन्यूट आर्म्स माउथ के अंदर से डाल के जो है आप अंदर पे ऑपरेशन कर सकते हैं, बाहर से चीरफाड़ नहीं होती है। तो अग्रीड की कॉस्मेटिकली बेटर, बट मोर देन दैट फंक्शन प्रिजर्वेशन बेटर, बिकॉज आपने अंदर से छोटा सा ऑपरेशन किया है, फंक्शन इज प्रिजर्व, स्वॉलोइंग इज बेटर। तो बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं, और सिर्फ सर्जरी में एडवांसमेंट्स नहीं, एडवांसमेंट्स रेडिएशन में भी बहुत ड्रामेटिक है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स से बहुत ड्रामेटिक है, नई तरह के कीमोथेरेपेटिक नॉन टॉक्सिक एजेंट्स, तो हर जगह एडवांसमेंट है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से डॉक्टर तपस्विनी फायदा हुआ है पेशेंट्स को बहुत, ये तो मानना है कि जो हम पहले नहीं कर पाते थे, कुछ कुछ एरियाज जो हम लोग कभी टच नहीं कर पाते थे सर्जिकली, और कुछ कुछ एरियाज में जहां हम रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखा पाते थे, अब वो चीज संभव होने लग गया है। लेकिन अगर खर्चे की बात करें, सरकारी अस्पताल में तो शायद कम आए, अगर निजी अस्पताल में जाता है पेशेंट तो कितना खर्चा आता है सर्जरी का? वो डिपेंड करता है आपको कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, कौन से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो अगर लेजर का हम देखते हैं तो करीबन पेशेंट को 70-80 हजार का खर्चा पड़ ही जाता है। रोबोटिक सर्जरीज का देखते हैं तो करीबन 2.5 से 3 लाख के करीब आता है पेशेंट को। बट यू नो, इफ यू वे एवरीथिंग, आप सबको नापतौल करिए, तो आपको लगेगा कि टेक्नोलॉजी से चाहे कॉस्ट फैक्टर पेशेंट को जरूर उस तरह उस टाइम चुभता है, तो लॉन्ग टर्म जब वो देखता है तो वो पैसा भूल जाता है। क्योंकि अगर आप उसको अच्छा फंक्शन दे पाते हैं और अच्छा कॉस्मेसिस भी दे पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो दूर जब जाएगा अपनी लाइफ में वो कभी मुड़ के देखेगा कि मैंने इतना खर्चा किया। जी, तो हेड एंड नेक के जो पेशेंट्स हैं वो इस बात से राहत महसूस करेंगे कि टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस हैं। लेकिन क्योंकि कैंसर प्रिवेंटेबल है, जिन्हें नहीं है लेकिन वो तंबाकू सेवन करते हैं या अन्य जो कॉस्ट फैक्टर्स डॉक्टर ने बताए हैं, उनके पास चॉइस बड़ी सिंपल है, हजारों लाखों का खर्चा और उसके बाद फिर दवाइयां, या फिर आप कैंसर का शिकार ही ना हो। तो प्रिवेंटेबल पर हमें ज्यादा जोर देना होगा डॉक्टर आलोक। तो तंबाकू को ना कहें, और किन बातों का ध्यान रखें? इसके जो यूजुअल वे ऑफ कमिंग, फिर वही बात जिससे हमने बात शुरू की थी, पर मेजर चीजें जो है इसमें 5 S's कभी कहे जाते थे, स्पिरिट्स, स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ अब ओरल टोबैको भी आ गया है, शार्प टीथ, कई बार अगर शार्प टीथ है और दांत आपके खराब है तो वो भी जो है आपके जुबान पे, आपके उस पर चुप चुप के जो है प्रॉब्लम दे सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसेस भी शायद शायद कुछ प्रॉब्लम देते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। पर हाँ, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मोस्टली बातें जो हैं वो हमारे सोसाइटी में जो है टोबैको और ओरल टोबैको, ओरल टोबैको पे आ गई है। तो गुटका, यू नो, कोई भी फॉर्म हो, खैनी, हाँ, ये सब से, खैनी से या चूना से या सुपारी से भी थोड़ा सा रिस्क है, ऐसा नहीं कि यार रिस्क भी, इनसे भी रिस्क है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे उनसे भी रिस्क है, पर प्राइमरली सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो तंबाकू का हुआ, पर बाकियों का भी रिस्क है जी। तो इस तरह की चीजें अगर आपने माउथ में यूज करनी है रेगुलरली तो ये एडिक्टिव हो जाती है, इसको आप यूज करते हैं तो एडिक्टिव हो जाता है, तो उसे विड्रॉल होता है। जब पेशेंट यूज नहीं करता है तो उसको लगता है कि जी, इसके लिए आज के दिन में डी एडिक्शन क्लिनिक्स हैं, टोबैको के भी डी एडिक्शन क्लिनिक्स हैं, साइकियाट्रिस्ट लोग, कई लोग डी एडिक्शन भी आपको करा सकते। तो आपने अगर अपना मन बना लिया कि जी मुझे इसको छोड़ना है तो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं जी। तो चाहे स्मोकिंग फॉर्म हो, स्मोकलेस हो या च्यूइंग टोबैको हो, सबको ना कहना होगा। थोड़ा बताइए, जिन लोगों को आप कहते हैं कि अब सिम्टम्स हैं, आपको हेड एंड नेक कैंसर होने वाला है, फिर कैसे वो ना कहते हैं तंबाकू को, क्योंकि वो इतने समय से तो लेते आए, उनके लिए आसान तो होता नहीं होगा।
अमित, अगर हम फिगर्स देखें तो 70% लोग छोड़ना चाहते हैं, बट कितने सक्सेसफुली कर पाते हैं वो है 3 से 5% लोग। सो देयर आर मेनी वेज, एक तो बिहेवियरल टेक्निक्स है, एक काउंसलिंग है, सिंपल एडवाइस आप पेशेंट को दे सकते हैं, एंड दूसरा उनको तंबाकू से दूर करने के लिए कई फार्मास्यूटिक एजेंट्स भी हैं, कुछ मेडिसिंस हैं, कुछ निकोटिन पैचेस हैं, इनहेलर्स हैं, च्युइंगम्स हैं, वो आप पेशेंट को अगर पेशेंट, बट सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट का अपने अंदर से विल पावर। वो कोशिश करता है पर कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता है तो आपको उसको रेनफोर्स करना पड़ेगा बार 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 वही चीज। अगर वो एक बार में नहीं कर पाता है उसको सेकेंड टाइम फिर एनकरेज करना पड़ेगा, एंड दैट विल पावर हैज टू कम फ्रॉम द पेशेंट। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में उनका बिहेवियरल पैटर्न कैसा रहता है जब आप बताती हैं? तो कुछ कुछ है जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो तो परवाह नहीं करते हैं, वो आपके लास्ट डे तक जब तक वो ऑपरेट नहीं हो रहे होते हैं वो चलता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। यस, बट जो यंगस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा लगता है, झटका लगता है, धक्का भी लगता है, पर वो इतना एडिक्टेड हो गए होते हैं कि उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत जल्दी एकदम से कट आउट हो गया। तो जब आप उनको बताते हैं कुछ हद तक वो राजी होते हैं, बट निकोटिन एक ऐसी सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है वो इतना एडिक्ट करके रखता है कि उनको बहुत तलब होती है। ऑपरेट वगैरह करने के बाद, पूरा इलाज के बाद भी उनकी वही चीज वो रहता है कि उनको वो चीज दोबारा सेवन करना, और उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने क्यों पहला कष्ट लगाया, क्यों वो इस बुरी लत में पड़े, रिग्रेट भी होता है बाद में। कुछ कुछ लोग तो बहुत बिंदास होते हैं, मैं आपको सच बता दूं, उनको कोई परवाह नहीं होता, पर कुछ कुछ लोगों को जरूर जरूर वो चीज जब होता है तो उनको बहुत महसूस होता है। क्यों जेंडर सेंसिटिव है कि पुरुषों में भी है, महिला दोनों केसेस आते हैं? बिल्कुल, आजकल तो आप स्मोकिंग वुमेन में भी देखते हैं, इट हैज बिकम लाइक अ स्टेटस सिंबल। आप पार्टीज में जाइए, कहाँ अल्कोहल नहीं मिलता है, कहाँ आप स्मोकिंग नहीं देखते हैं। तो एक तो सोसाइटी का एक स्टेटस सिंबल की तरह होने लग गया है, दूसरा चीज एक पीयर प्रेशर होता है, वो देखता है अच्छा वो तो कहता है तो मैं क्यों ना करूं, उसको नहीं हो रहा तो मैं क्यों ना करूं, नहीं होता है शायद, इतना खाने के बाद उसको नहीं होता, शायद मुझे भी नहीं होगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण पेशेंट्स, बहुत लोग आपको, जैसे मैंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट इतने ग्लैमर, लोगों को लगता है कि इसको खाने से बहुत ही जिंदगी में एक बहुत मजा आ जाएगा, यू नो यू बीइंग अलाइव विद सम प्लेजर, तो उसका सेवन नहीं करे तो शायद जिंदगी में आपने कुछ कुछ अंश खो दिया है। जी, तो डॉक्टर आलोक आपसे जानना चाहेंगे, कई बार लोग ये भी सवाल रखते हैं कि मानो तंबाकू का सेवन या नशा पहले भी होता था तब तो उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसर नहीं, एक आए कि मॉडर्न जमाने में क्यों कैंसर की बात होने लगी? शायद टबैको का सेवन जो, चलिए मैं 2-3 चीजों में कहूंगा। एक तो ये कि सोसाइटी में अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं है शायद कि टबैको कितना एडिक्टिव है, तो जब बच्चे जनरली ये सब शुरू होता है 2nd-3rd डिकेड में, लेट 1820s में, तो तब लोगों को ये नहीं रियलाइजेशन होता कि भाई इसको लेंगे तो शायद छोड़ ना पाएंगे, इट इज समथिंग कि चलो कर लेते हैं, चलता रहेगा, छोड़ देंगे, तो एडिक्टिव कितना इसका रियलाइजेशन नहीं है। पहले शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी बिकॉज जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है हमारे टोबैको के या लाइम जर्दा, वो इतने एडिक्टिव नहीं थे। जो आज के दिन में जो हमारे फॉर्म्स हैं पाउच टोबैको के, या उनमें है ही ज्यादा टोबैको या दे आर मोर एडिक्टिव, उनसे छोड़ा नहीं जाता, बस आई थिंक इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन कहीं ज्यादा है जो पहले होता था। मैंने पहले भी जिक्र किया कि इफ इट्स इजिली अवेलेबल कि आप जेब में 10 पाउच लेकर घूम रहे हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं, तो पहले तो ऐसा नहीं था, आपको जाना पड़ता था अपना पान, और शाम के 9 बजे के बाद आपका पान बनता नहीं था, तो अब तो ऐसा नहीं है जी, तो इसलिए शायद ज्यादा है। लॉन्जिविटी बढ़ गई है, जब लॉन्जिविटी वैसे बढ़ गई है तो नेचुरली आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर बढ़ गया है। जब इंडिपेंडेंस से मान लो कि नॉर्मल एज जो मीन एज थी 32 इयर्स मानी जाती थी, अब 70 इयर्स मानी जाती है, तो जब ज्यादा दिन रहेंगे, ज्यादा दिन यूज करेंगे तो जी। चल चलते डॉक्टर तपस्विनी, जो तंबाकू की कल्टीवेशन आपको लगता है फार्मर्स को भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देने होंगे? बिल्कुल, तभी तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है।
मिलियंस ऑफ पीपल, उनमें बच्चे भी बहुत शामिल हैं जो इस कल्टीवेशन में सब एंगेज्ड हैं। तो अगर ये कल्टीवेशन कहते हैं कि अगर इसको फूड प्रोडक्शन में, यूजफुल प्रोडक्शन में उसको किया जाए और उनकी जो बेरोजगारी इससे हटेगी तो उनको उसमें एम्प्लॉय किया जाए, शायद हमें उसमें और ज्यादा फायदा दिखेगा। बट आई मस्ट कोट अ फिगर कि जो तंबाकू से हमारा जो कंट्री है, इट इज अर्निंग अराउंड 1.63 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम द टैक्सेशन ऑन टबैको, बट वो कितना हेल्थ में वो खर्चा करने को मजबूर हो रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग अराउंड 6.23 बिलियन डॉलर्स ऑन टबैको इंड्यूस्ड यू नो डिजीज प्रॉब्लम्स। कैंसर तो है ही, उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो है, हार्ट डिजीजेस हैं, ये सब चीजों पे हमारी सरकार को कितना खर्चा करना जी, बहुत ज्यादा हेल्थ बर्डन है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है प्रति ही लानी होगी, अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। प्रोफेसर लोग फाइनल वर्ड्स। हाँ, अवेयरनेस इज द मेजर सॉल्यूशन एंड इन सम वेज आई थिंक प्रिस्क्रिप्टिव लॉज टू दिस इफेक्ट एंड सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन दिस। Right, we leave it there only. Professor Alok Thakkar, Dr. Tabaswini, thank you so much for sharing knowledge on this subject. Thank you very much. Thank you so much. So once again, reinforcement of the key message that as far as the head and neck cancer is concerned, it's preventable. Therefore, make sure we make a lot of awareness in the society to say no to tobacco. Thanks for watching.